दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, यूपी को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी जेपी नड्डा के आवास पर बैठक में शामिल है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद है। कोई जानकारी मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात फिलहाल हो रही है। और अविनाश तिवारी वहां से पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। अविनाश, सीएम पहुंच चुके हैं क्या? जो ये बैठक है ये शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये बैठक की शुरुआत हो चुकी है। एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक चल रही है और काफी महत्वपूर्ण बैठक है। महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है क्योंकि देश की अगर बात करें तो नंबर दो के केंद्रीय मंत्री यानी कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी मौजूद है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। चूंकि इन लोगों की जब मौजूदगी होती है तो चुनावी रणनीति तैयार की जाती है और जिस तरीके से अब बीजेपी पूरे लोकसभा चुनाव के मिशन में चली गई है, लोकसभा 2024 की तैयारियों के मोड में चली गई है, उसी के मद्देनजर सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर के आज यहां पे रणनीतिक मंथन होने वाला है कि किस तरीके से अगले एक वर्षों में बढ़ा जाए कि जो बीजेपी ने मिशन दिया है 80 प्लस का उसको टारगेट को अचीव किया जाए और इसीलिए इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए यहां पे अब रणनीति बनाई जा रही है और खुद बीजेपी के चाणक के अमित शाह पहुंचे हुए हैं यहां पे। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे हुए, मुख्यमंत्री के साथ उनकी यहां पे अब बैठक होगी और किस तरीके से अब संगठन को आगे उत्तर प्रदेश में बढ़ना है, सरकार को किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से अगले एक वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम तरह कार्यक्रमों को रखना है और तमाम तरह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको किस तरीके से कार्यक्रमों में रखना है, इन तमाम तरह चीजों को लेकर के अब यहां पे रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से अब बीजेपी पूरी तरीके से 2024 के मिशन में चली गई है, कल अगर बात करें तो कल उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ बैठक की गई थी और मिशन यही था कि 2024 में किस तरीके से उत्तराखंड की पांचों सीटों को अचीव किया जाए और आज उत्तर प्रदेश को लेकर के यह बड़ी बैठक है। आप तस्वीरों के मायने इस बात से भी समझ सकती है कि ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर की तस्वीरें और आप देखिए यहाँ पे गाड़ियों का हुजूम जो है आपको नजर आएगा क्योंकि जितने भी यहाँ पे केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं सबकी जो है गाड़ियां यहीं बाहर लगी हुई है और पूरी तरीके से यहाँ पे इस सड़क पे इस वक्त हुजूम नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी बैठक है। अगर बात करें तो जिस तरीके से 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम सारी पार्टियां जुटेंगी तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और उसी के मद्देनजर अगर बात करें तो आज ये सबसे बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश को लेकर के हो रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल है और इसके अलावा अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश को बखूबी बेहतर तरीके से समझते हैं, ना सिर्फ वो उत्तर प्रदेश से आते हैं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे तो उस वक्त बीजेपी ने 80 में से सहयोगी अपना दल के साथ 73 सीटें जीती थी। तो यही कारण है कि अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पे फिर रणनीति में शामिल है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में रणनीति बनाई जाए कि जिस तरीके से 2014 में 80 में से 73 सीट सहयोगी अपना दल के साथ मिलकर जीते थे और उस वक्त बीजेपी ने अकेले 71 सीटें जीती थी तो उसको किस तरीके से फिर से टारगेट को अचीव किया जाए क्योंकि बीजेपी ने 80 प्लस का इस बार लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में। तो 80 प्लस नहीं तो कम से कम 2014 के उस करिश्मे को दोहराया जा सके जहां पे 73 सीटें बीजेपी ने सहयोगियों के साथ मिलकर जीती थी। तो इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पे पहुंचे हुए हैं, वो भी बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी रणनीति जो है बनाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, वो बताएंगे कि सरकार के कामकाज का क्या फीडबैक है, सरकार का कामकाज कैसे चल रहा है, संगठन के स्तर पर किस तरीके से तमाम सारे कार्य हो रहे हैं इसको लेकर के भी मंथन किया जाएगा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी पहुंचे हुए हैं तो वो भी बताएंगे कि किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति तैयार किया जाए जिससे कि जो बीजेपी का टारगेट है उसको अचीव किया जाए, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जितने भी राज्य हैं बीजेपी के। अब बीजेपी हर जगह यही रणनीति बना रही है लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर और इसीलिए एक एक करके तमाम तरह राज्यों की बैठक बुलाई जा रही है। कल उत्तराखंड की बैठक हुई बड़ी, आज उत्तर प्रदेश की बैठक हो रही है, आने वाले दिनों में अन्य राज्यों की भी बैठक देखी जाएगी। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती है और कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है तो जब दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है तो ऐसे में किस तरीके से उत्तर प्रदेश को जीता जाए और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी के उसी परचम को बरकरार रखा जाए जैसे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बरकरार रखा गया, 2019 के लोकसभा चुनाव में बरकरार रखा गया जहां सबसे बड़ा गठबंधन हुआ सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर 64 सीट उस वक्त जीतने में कामयाब हुई थी तो कैसे उन तमाम सारे करिश्मे को जो है बरकरार रखा जाए इसी को लेकर के अब यहां पे मंथन की शुरुआत।
शुरुआत हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी नेता अब एक के बाद एक बयान दे रहे हैं कि 2024 में तमाम तरह विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा और विपक्षी एकता को मनाया जाएगा। कल अखिलेश यादव ने भी कहा था कि नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, KCR है, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी एकता हो। तो अगर पूरे देश में विपक्षी एकता होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है, तो कैसे उसकी काट निकाली जाए, कैसे उस विपक्षी एकता का तोड़ निकालते हुए बीजेपी उस करिश्मे को दोहराए जो 2014 में 2019 में किया है, जहां पे पूर्ण बहुमत के साथ अकेले भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तो लिहाजा इसी को लेकर के अब रणनीतिक बैठक यहां पे हो रही है और काफी बड़ी ये बैठक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, 80 लोकसभा सीटें आती है, और कहीं ना कहीं चाहे 2014 की बात करें चाहे 2019 की बात करें, अगर NDA की सरकार केंद्र में बनी है तो उत्तर प्रदेश के उसमें अहम योगदान रहा है। 2014 की बात करें तो 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ मिलकर जीतने में कामयाब हुई, तो 2019 में 64 सीटें सहयोगियों के साथ। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिमाचल के नतीजे सामने आए हैं अविनाश, उसके बाद कोई कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि 2024 से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए रणनीति बनाना लाजमी है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।